हमारी दुनिया जंग के एक नए दौर में दाखिल हो रही है, एक ऐसा दौर जिसमें टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पर हावी होती जा रही हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया जो हर इंसान की ज़रूरत बन चुकी है, इसी तरह मिलिट्री फोर्सेस भी टेक्नोलॉजी से भरी वेपन्स ईजाद करने पर मजबूर हैं। आज हम मॉडर्न और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऐसे वेपन्स देखने जा रहे हैं जिनके बगैर आज मिलिट्री ऑपरेशन करना नामुमकिन हो। स्नाइपर्स को रियल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें विंड स्पीड, फॉग, डस्ट और सबसे बढ़कर मूविंग टारगेट को शूट करना होता है। इन सब चैलेंजेस को सिंपल बनाने के लिए सेल्फ गाइडेड स्नाइपर बुलेट बनाई जा चुकी है। ये अपने टारगेट को एक दफ़ा अच्छी तरह पहचान लेती है और फिर इसके अंदर मौजूद ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम इसको खुद ही टारगेट की तरफ लेकर जाता है। फिर टारगेट बेशक मूविंग पोजीशन में ही क्यों ना हो, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस स्नाइपर राइफल और बुलेट की सबसे खास बात यह है कि इसको कोई अनट्रेंड शूटर भी यूज़ कर सकता है। ये कोई मामूली गन नहीं है जिसमें गोलियाँ डलती हों, बल्कि इसको गोलियों की बजाय बैटरीज से भरा जाता है। ये एक ड्रोन गन है जो 2 किलोमीटर ड्रोन को भी जैम कर सकती है। हाल ही में हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे शानदार एरियल शॉट्स भी देखने को मिलते हैं जो आज नॉर्मल कैमरा से लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस ड्रोन के गलत इस्तेमाल ने पूरी दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज के नाक में दम कर रखा है, जैसा कि 2018 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पर तब एक ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई जब वो भरे मजमे में स्पीच कर रहे थे। इस हादसे में 2 ड्रोन्स पर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव लगाया गया था जो किसी वजह से हवा में ही फट गया। इस किस्म के हादसात से बचने के लिए ये वेपन आजाद किया गया है। 56 इंच लंबी और 7 किलो वजनी ये गन एक खास किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी फेंकती है जो ड्रोन का उसके ऑपरेटर के साथ कनेक्शन तोड़ देती है। इसके नतीजे में ड्रोन का रिटर्न टू होम फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो वापस वहीं जाकर लैंड करता है जिस जगह से उसने टेक ऑफ किया था। ये एक तरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर है जो मीलों दूर तक भी काम कर सकता है। अगर ड्रोन को कब्जे में लेना हो तो स्काईवॉल 100 बाज़ूका काम आ सकता है। ब्रिटिश कंपनी ओपन वर्क्स के इस बाज़ूका में ड्रोन के साथ फिजिकल होने का ऑप्शन मौजूद है। अगर इसको ड्रोन की तरफ पॉइंट करके फायर किया जाए तो ये एक नेट फेंकता है जो पूरे ड्रोन को ही जकड़ लेती है। मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान कभी कभार कीचड़ और पानी की वजह से गाड़ियों और ट्रक्स की मूवमेंट सर का दर्द बन जाती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए अब फोल्डिंग रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक 8x8 ट्रक जिसमें ये फोल्डिंग रोड रखा होता है जो कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर 165 फीट रोड बिछा सकते हैं। एल्युमिनियम से बना ये रोड करीब 90 टन का वजन बर्दाश्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये पानी के अंदर भी 4 फीट तक बिछाया जा सकता है। मिलिट्री ड्रोन हेलीकॉप्टर, इसके फीचर्स की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट मौजूद है। 12 घंटे तक बगैर पायलट के फ्लाई करता है और मीलों दूर बैठे कंट्रोल यूनिट को लाइव वीडियो फीड भी प्रदान करता है। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक इसकी पूरी की पूरी फ्लाइट ऑटोमेटिक है। इसके थर्मल एंड नाइट विजन सेंसर्स रात के वक्त भी दुश्मन की वीडियो कैप्चर करने की सलाहियत रखते हैं। ये बात तो सबको मालूम है, सर्विस डॉग्स दुनिया भर की मिलिट्री और पुलिस में भर्ती किए जाते हैं। ये वो काम भी कर सकते हैं जो शायद इंसान के बस की बात नहीं होती। सर्विस डॉग्स की प्रोटेक्शन के लिए रेक्स पैक्स नामी ये गॉगल्स तैयार किए गए हैं जिसमें लगा वायरलेस कैमरा ऑफिसर्स को लाइव फीड देता है, फिर चाहे दिन की रोशनी हो या रात का गुप अंधेरा। वाटरप्रूफ होने के साथ साथ इसमें एक रेडियो सिस्टम भी नस्ब किया गया है जिसकी मदद से इनको रियल टाइम इंस्ट्रक्शन भी दी जा सकती हैं।